रानी मन मन डोले रे, राजमहल की रानी मन मन डोले रे, राजमहल की रानी मन मन डोले रे। को किला का फतेह किया हुआ किला किराने फिर आ गई। आमिरकोट के इस इलाके में हमने किसानों के लिए जो घर बनवाए थे, पहली बारिश में वो घर ढह गए। उनको दोबारा बनाने के लिए हमें काम शुरू करना होगा। मंत्री जी, जी हमने अभी क्या कहा? जी हम जो कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? हुकुम वो हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। हुकुम बड़ी जल्दी वापस आ गई रानी जी। मायके में राजमहल की बहुत याद आ रही थी। कम से कम नजर की शर्म के लिए तो एक दो रोज मायके में रहना चाहिए था आपको। आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं वापस क्यों आई। आप अभी अभी कह रहे थे ना, पहली बारिश में मकान गिर गया और अब उसे फिर से बनवाना चाहते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। ये रिश्ता कच्चा था, पहली बारिश में ढह गया, उसे फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बरसात में बहुत कुछ हुआ है। आपकी मासूमियत और भोलेपन के रंग पहली बारिश में ही उतर गए। कितनी बड़ी बड़ी बातें कह के गई थी आप। क्या हुआ? बातें ही तो अधूरी रह गई है, इसलिए वापस आई हूँ। कौन सी बात? कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें जो एक पत्नी अपने पति से कहना चाहती थी, लेकिन पति सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आज मैं आमिरकोट के राजा के पास गुजारिश लेकर आई हूँ कि वो एक पत्नी को मौका दे उसकी सच्चाई बताने का। आप हमें एक पति और एक राजा का फर्ज याद दिलाने आई हैं? जी नहीं, मैं एक पत्नी का अधिकार मांगने आई। ये अधिकार आप मुझसे छीन नहीं सकते। अपने चरित्र, अपनी परवरिश पर लगे हर एक लांछन का जवाब देने का अधिकार है मुझे, और ये आप छीन नहीं सकते मुझसे। चावल, और कुछ चाहिए जी? राणा जी, मैं पत्नी होने के सारे फर्ज निभाऊंगी, आपका ख्याल रखूंगी, चाहे किसी को लगे ये शादी सौदा है, पर मैंने सिर्फ प्रेम किया है राणा जी। मैं सौगन खाकर कहती हूँ, अगर मुझे पता होता कि मेरे बाबूजी ने सौदा किया है तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। मैंने आपसे सिर्फ प्रेम किया है, सौदा नहीं। बस एक बार मुझे अपना कर तो देखिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं एक अच्छी पत्नी होकर दिखाऊंगी। आपने एक बार तो ठुकरा दिया, अब एक बार अपना कर भी देख लीजिए। आपने सुबह से कुछ खाया है? जी। आप बहुत थकी हुई और कमजोर लग रही है, आपको कुछ खाना चाहिए। शिकायतें के लिए बहुत समय है, सारे फर्ज पत्नी के नहीं होते, कुछ फर्ज पति के भी होते हैं।
थाने पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं रानी गायत्री देवी। जाइए, हम तैयार होके आते हैं। हम खुश हुए कि राजमहल का चांद लौट आया। क्या हुआ कुबरानी, आपको मिर्ची लग गई? जी, अभी तो हमने खाना भी नहीं शुरू किया राजमाता। फिर आपको देखकर ऐसा क्यों लगा कि आपको मिर्ची लग गई? राणा जी, हमें विश्वास है कि बड़ी रानी माँ जल्द ही वापस राजमहल लौट आएंगी। अगर आप कह रही है राजमाता, तो हमें यकीन करना ही पड़ेगा। आखिर आप कभी किसी बात को लेके गलत हुई हैं? आज हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे लिए बहुत खास है। हमारे बहुत करीब है, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि आज सभी हमारी दिल की बात सुने। आज एक जाम उनके नाम जिन्हें समझने के लिए हमें बहुत वक्त लग गया, पर अब हमारी सारी गलतफहमी दूर हो गई। आज हम उनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं। कुंवर चाचा जी, कुंवर चाची जी, अंग्रेजों की सोहबत में आपने इतना भी नहीं सीखा? जाम को ठुकराना बैड मैनर्स होती है। छोटे कुंवर जी, आपको जाम उठाने के लिए हमें अलग से कहना होगा। तहजीब ना सही, हुक्म समझ कर उठा लीजिए। राजमहल की जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है जब खुशी मिलती है, वरना राजमहल के हर कोने में एक साजिश आपका इंतजार कर रही होती है। खतरे जंग में भी होते हैं और राजमहल में भी। फर्क इतना है कि जंग में पराए सीने पर वार करते हैं और महल में अपने पीठ पर। सीने पर वार करने को रणनीति कहते हैं, पीठ पर वार करने को राजनीति कहते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसा शख्स है जो इस राजनीति के खेल में सबसे माहिर खिलाड़ी है। जिसके चेहरे के पीछे न जाने कितने चेहरे छुपे हुए हैं। ये जाम उस बहरूपिये के नाम। महाराज, ये आपकी बात कर रहे हैं हमारी?
और वो बहुरूपिय है रानी गायत्री देवी। इस मासूम से चेहरे ने अपने पिता के साथ मिलकर एक ऐसा जाल फेंका है जिसमें राजमाता भी उलझ गई है। हिंदुस्तान से लेकर विलायत तक हमने बहुत से अदाकार देखे हैं, पर रानी गायत्री देवी आप जैसी अदाकारा हमने अब तक नहीं देखी। बहुरूपिय दुनिया को ठगते हैं, लेकिन ये दुनिया के साथ साथ खुद को भी ठगती है, तभी तो इतने भोलेपन के साथ कहती है कि इनके पिता ने जो किया इन्हें उसकी कोई खबर ही नहीं। वाह वाह रानी गायत्री देवी वाह, क्या अदाकारी है, तालियां अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। बस कीजिए राणा जी, एकांत खबरदार कोई अपनी जगह से हिले। आमिर कोर्ट के राजा का आदेश है कि जब तक उनकी बात पूरी नहीं हुई कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बधाई हो रानी गायत्री देवी, आपने जो बाजी खेली थी आप जीत चुकी हैं, आप आमिर कोर्ट की रानी बन गई हैं। यहां तक कि राजमाता भी आपकी तरफ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी जीत अधूरी है। आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकती है पर हमारी आंखों में नहीं। आप राणा जी की रानी जी बन गई हैं, पर इंद्रवदन आपको कभी नहीं अपनाएगा। आमिर कोट का राजवंश इस बहुरूपन के सामने हार गया, पर इंद्रवदन आपके सामने कभी नहीं हारेगा। पर आज रानी गायत्री देवी आज तो आपकी जीत है। इसलिए हम राणा इंद्रवदन सिंह देव आज ये ऐलान करते हैं कि आपको इस राजमहल में रानी होने के सारे अधिकार मिलेंगे। आपको जो चाहिए था रानी गायत्री देवी वो आपको मिल गया है। रानी बहुरूपिय के नाम। जैसी राणा जी की आज्ञा। रानी बहू, रानी गायत्री को अपने कमरे में लेके जाइए।
अरे बंद भी कीजिए अपना नाटक, राणा जी सबके सामने आपकी सच्चाई खोल चुके हैं, तो अब ये दिखावा किस बात का? कुंवर रानी जी, रानी बहू, हमने कहा ना रानी गायत्री देवी को अपने कमरे में ले जाइए। अब हम चलते हैं। स्वर्णा, आपको भी लगता है मैं बेरुपया हूं? आपको भी लगता है मैंने और मेरे पाऊजी ने कोई साजिश की है? नहीं गायत्री, हमें आप पर पूरा विश्वास है और राणा भाई साहब से बहुत लगाव, इसीलिए हम ना उन्हें दुखी देख सकते ना ही आपको। हमें नहीं पता आपके रिश्ते में ऐसा क्या हुआ है, बस प्रार्थना करते हैं कि दूरी जल्दी खत्म हो जाए। मैं जितना उनसे पास जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझसे दूर हो रहा है। ये दूरी कम करो तो कैसे? थैंक यू मिस्टर थॉमसन। राणा जी, आपने तो बड़ी चतुराई से अंग्रेजी हुकूमत को शीशे में उतार लिया। आपने जो प्रस्ताव पास कराया है उससे अमेर कोर्ट की प्रजा का बहुत भला होगा। शुक्रिया कुंवर चाचा जी। मन प्रसन्न हुआ ये देखकर कि गायत्री देवी की वजह से अंग्रेजी हुकूमत से खराब हुए रिश्ते भी आपने अच्छी तरह से जोड़ दिए। पर इससे कोई फायदा नहीं होगा राणा जी, क्योंकि आप अंग्रेजों से रिश्ते की डोर बांधते रहेंगे और आपकी रानी उन्हें काटती रहेंगी। इस सिलसिले को रोकना है तो आपको गायत्री देवी से रानी का दर्जा छीनना होगा, उस भैरूपिया रानी को राजमहल से बाहर निकालना होगा। राणा जी, इसी में आपकी और अमेर कोर्ट की भलाई है। कुंवर चाचा जी, आपको अपनी भलाई के बारे में सोचना चाहिए और आपकी भलाई खामोश रहने में है। हम कुछ समझे नहीं। हमारे और हमारी पत्नी के बीच जैसा भी संबंध, वो आमिर कोट की रानी है और रहेंगे। अब राजमहल में यूं खड़े होकर रानी की बुराई करने में आपकी भलाई तो नहीं है? आप भी तो उसे भैरूपिया रानी कहते हैं। कुंवर चाचा जी, शायद आप भूल रहे हैं, हम राणा हैं, राजा हैं यहाँ के, कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। गायत्री देवी हमारी रानी है। अब अगर कोई हमारी रानी पर वार करेगा तो हम समझेंगे कि उसने हम पर वार किया है। अब चाहे वो वार तलवार का हो या जुबान का, अगर गलत पड़ जाए तो तलवार भी कट जाती है और जुबान भी। गुड डे कुंवर चाचा जी। अगला वार तो अभी हमने किया ही कहाँ है राणा जी, जब करेंगे तो ना गायत्री देवी रानी रहेगी और ना आप राजा।